बूडी कोट 200 इनहेलर जो कि बनाया जाता है सिप्ला के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर बूडी नो शायद 200 एमजी रखता है एमसीजी, जो कि दो एक पैकेट में 200 एमआईडी पैकेट रहता है, जिसका एमआरपी 439 रुपीज़ रहता है। इसको यूज़ किया जाता है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजेस, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे ड्रग कैसे काम करेगा और सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि आपको बूडी कोट इनहेलर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। बूडी कोट 200 इनहेलर जो कि बनाया जाता है सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। बूडी सोनाइड्स 200 एमसीजी रहता है, एक पैकेट में 200 एमआईसीडी रहता है जो कि 439 रुपीज़ का रहता है। और ये क्या करता है कि प्रिवेंट करता है उस सिम्टम को जो कि अस्थमा रहता है वहाँ से, और स्टेरॉयड इसके अंदर डाला गया है जो कि प्रिवेंटर के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या करता है फास्ट एक्टिंग रिलीफ देता है। जो मेडिसिन काम नहीं करती अस्थमा में तो ये काम कर देता है और इस आपको अस्थमा से रिलीफ देता है। तो ये अस्थमा में यूज़ होने वाला एक इनहेलर है। अगर आप इसको डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, खुद से ले रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हो, जॉइंट पेन हो सकता है, डिस्पेंसिया हो सकता है, मसल में वीकनेस हो सकता है और आपको पेट में दर्द हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी इसको लगाए तो ये ले तो इसके लेबल को अच्छी तरह से पढ़ ले, इसके अंदर एक लिपलेट दिया गया उसको अच्छी तरह से पढ़ ले, इसको सेक वेल कर दे, उसके बाद ही इसको यूज़ करे और 10 मिनट तक होल्ड करके रखे। और बूडी को 200 इनहेलर काम कैसे करता, तो इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर बूडी सोनाइड्स एक स्टेरॉयड डाला गया है जो कि क्या करता है कि लंग्स को ब्रीथिंग में पास करने में इजी करता है और केमिकल मैसेंजर भेजता है, जिससे क्या होता है जो सूजन रहती है एयरवेज में तो वो कम हो जाती है और आपको सांस वगैरह लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे काम करता है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी हो वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।